हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जुग्गू एक्स्ट्रा। आज मैं एक गिव अवे ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तो गिव अवे का प्राइस पूल सुनो सबसे पहले। तो सबसे पहला प्राइस है ईटू के 10 शार्ड, उसके बाद है आयरन क्लैड का एपिक वेपन, और फिर है किंग ऑफ द लीजन की स्किन। मेरे को नाम याद नहीं है, तुम पढ़ लो, स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो बाकी प्राइस पूल तो क्लियर है, मैं तुम्हें ईटू के प्राइस पूल समझा देता हूँ। तो जिसके पास ईटू नहीं है उसको 10 शार्ड की जगह वो ईटू मिल जाएगा, ठीक है, और जिसके पास ईटू ऑलरेडी है उसको 10 शार्ड मिल जाएगी, ये तो क्लियर है, ठीक है। और विनर तीन डिसाइड हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट वाला ये तीनों में से कोई एक आइटम चूज कर सकता है, लेट्स से उसने ईटू का शार्ड चूज करे। अब क्या बच गया, अब बचा आयरन क्लैड का वेपन और किंग ऑफ द लीजेंड की स्किन। तो सेकंड वाला विनर इन दो चीज में से कोई एक चीज चूज करेगा, जो भी उसको चाहिए, ठीक है, और जो आखिरी में बच गया वो थर्ड वाला को मिल जाएगा। तो ऐसा प्राइस पूल मैंने डिसाइड किया हुआ है। तो अब पार्टिसिपेट कैसे करना है, तो पार्टिसिपेट करने के लिए तुम अपना इन गेम नेम लिखो, फिर अपनी इन गेम आईडी लिखो, और बस हो गया। और क्या सब्सक्राइब करने की जरूरत है, तो नहीं है, तुम बिना सब्सक्राइब किए भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि मुझे गिव अवे वाली ऑडियंस नहीं चाहिए। सच बोलूं तो मैं आगे करूं गिव अवे या ना करूं तो तुम्हारे लिए भी टाइम वेस्ट है। तुम गिव अवे के लिए मुझे सब्सक्राइब मत करो, अगर तुम्हें करना है मेरे दूसरे वीडियो देखो, पसंद आ रही है तो करो, नहीं आ रही तो मत करो। और प्लीज गिव अवे से ऑब्सेस मत हो जाना, दिमाग में ये बिठा के रखना कि तुम नहीं जीत रहे हो, क्योंकि तुम्हारा चांस बहुत कम है जीतने का, ठीक है। और जीत गए तो अच्छी बात, और नहीं जीते तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुमने पहले से ही उम्मीद ही नहीं लगा के रखी थी तुम जीत रहे हो। बस तुम पार्टिसिपेट करो और भूल जाओ कि तुमने पार्टिसिपेट किया हुआ है। और अगर तुम नहीं जीत रहे हो तो प्लीज गुस्सा मत होना, क्योंकि मेरे हाथ में होता ना मैं तुम सबको सब चीज दे देता, पर मेरे हाथ में नहीं है यार, मैं बस तीन लोगों को दे सकता हूं। और आज मेरा बर्थडे भी, इसलिए मैं गिव अवे ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। मतलब जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं उस दिन मेरा बर्थडे नहीं है, जिस दिन मैं ये वीडियो पब्लिश करूंगा उस दिन मेरा बर्थडे। और मुझे अपने बर्थडे पे अकेले रहना पसंद है, मैं जनरली किसी को बताता भी नहीं हूं, वो तो तुम लोग मुझे जानते नहीं, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आज मेरा बर्थडे है। बाकी मैं ढिंढोरा नहीं पीटता कि भाई मेरा बर्थडे है, मुझे अकेला रहना पसंद है। हाँ, बर्थडे के दिन ना मैं अपने एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाता हूँ कि भाई ऐसे थोड़ी पैदा हो गए होगे यार, कुछ तो करने के लिए पैदा हुए होगे। और ये पहला बर्थडे है जब मैं अपने घर वालों के साथ नहीं रहूंगा, मतलब अभी मेरा बर्थडे नहीं है, मगर जिस दिन तुम वीडियो देखोगे उस दिन मेरा बर्थडे है। पिछले बर्थडे में भी ऐसा ही हो रहा था कि मैं अपने घर पे नहीं रह पा रहा था, मगर मैं एट द एंड में घर पे आ गया था अपने बर्थडे वाले दिन। मगर इस साल तो आई डोंट थिंक मैं अपने घर जाने वाला हूँ बर्थडे के टाइम पे। और मुझे सबसे बड़ी टेंशन लाइफ में यही है कि मैं कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं, या ऐसे ही निपट जाऊंगा। कुछ तो करने के लिए, वो पता क्या होता है, हम मूवी एनिमे ये सब चीज़ें देख के ना हमें मेन कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है, तो सबको ये लगता है कि भाई कुछ ना कुछ तो एंड में होगा ही ना, हैप्पी एंडिंग होगी, पर ऐसा होता नहीं है जनरली। एट द एंड सब लोग नॉर्मल लोग ही है यार, क्या पता मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं लाइफ में, क्योंकि हम सबको लगता है हम मेन कैरेक्टर है, मगर नहीं है यार, हम ज़्यादातर लोग हम साइड कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर हम नहीं है। किसी और की स्टोरी चल रही है और उसके पीछे जो बैकग्राउंड कैरेक्टर्स रहते हैं ना, हम वो लोग हैं। और जो ये बहकी बहकी में बातें कर रहा हूँ, ज्ञान ज़्यादा पेल रहा हूँ, ये बातें करना मुझे जनरली पसंद नहीं है, ना मुझे सुनना पसंद है। आई नो ज़्यादातर लोगों ने स्किप कर दी होगी वीडियो अभी तक, मगर पता नहीं बर्थडे जैसे जैसे पास आने रहता है उस टाइम क्या होता है कि अजीब सा फील होने लगता है। मतलब मैं तो डिप्रेस सा हो जाता हूँ यार, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, हर साल होता है मेरे साथ। बाकी टाइम में नॉर्मल रहता हूँ, मगर बर्थडे के टाइम पे मेरा दिमाग का स्क्रू ढीला हो जाता है।